श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु श्री कृष्ण के अवतार हैं? यह प्रश्न नए नए श्रद्धावान भक्तों के मन में प्रारंभ में जरूर उठता है। आज हम श्रीमद् भागवत आदि प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा पहले इसका समाधान करते हैं। सृष्टि की रचना किसने की, यह भी समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने अंग से बलराम और बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। यहां से विस्तार प्रारंभ होता है भगवान का। बलराम भगवान के प्रथम अंश हैं और बलराम के फिर चार अंश हैं, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव। इसे प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। संकर्षण के अंश हैं नारायण, नारायण के अंश हैं द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर से प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये द्वितीय चतुर्व्यूह जो नारायण से है, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह। अब द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनके अंश हैं महाविष्णु, जिनकी श्वास से और रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। वे कारण सागर में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम कारणोदक शायी विष्णु भी है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, जैसे खिड़की से धूल के कण प्रवेश करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और जब वे श्वास खींचते हैं तो महाप्रलय हो जाती है और सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के गर्भ में समा जाते हैं। ब्रह्मा की आयु बस इतनी ही है महाविष्णु के एक निःश्वास काल तक। एक जितनी देर भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं उतनी देर में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं। इन महाविष्णु की श्वास से निकले हुए ब्रह्मांडों में कोई जीवन नहीं होता, उनमें महाविष्णु अपना विस्तार करके गर्भोदक शायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वहां न सूर्य होता है, न चंद्र होता है, न तारे होते हैं, कुछ नहीं, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती ब्रह्मांड में। केवल भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर व्याप्त रहता है। सूर्य, चंद्र आदि की सृष्टि तो बाद में होती है। भगवान अपने दिव्य शरीर से, ब्रह्मांड पूरा खाली है, उस खाली ब्रह्मांड में भगवान अपने दिव्य शरीर से पसीना उत्पन्न करते हैं और आधा ब्रह्मांड पसीने से भर देते हैं। और इस पसीने से बना हुआ जो सागर है, आधा ब्रह्मांड पसीने से भरा है, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। और भगवान उस गर्भोदक सागर में शयन करते हैं, शेष नाग अपनी शैया बना देते हैं और भगवान उस पर लेट जाते हैं। उन्हें गर्भोदक शाही विष्णु के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी उनकी चरण सेवा में लग जाती है। एक बात याद रखिए कि भगवान का पसीना भी गंगा जल के समान पवित्रतम जल है, उससे पवित्र जल और कोई नहीं है। हमारे पसीने की तरह भगवान के पसीने को समझने की भूल मत कीजिए। भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगा जल और उनके देह से निकला हुआ पसीना दोनों समान रूप से पवित्र करने वाले हैं, और उनके मुख से निकली हुई भगवद गीता सब समान है। तब उन गर्भोदक शाही विष्णु की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है। उस कमल पर कमलासन ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी यह समझ नहीं पाते कि वे कहां से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत कौन है, उनका पिता कौन है, किस लिए उत्पन्न हुए हैं, उनका कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं समझ पाते। तभी जल में एक आवाज उनको सुनाई पड़ती है, तप। जैसे जल में कोई चीज गिरे तो तप की आवाज आती है। इसको ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश मान लिया कि मुझे तप करने का आदेश दे रहे हैं, और वे देवताओं के 1000 वर्षों के लिए तपस्या में लग गए, लीन हो गए। फिर उन्हें भगवान ने दर्शन दिया और सृष्टि करने के इंग्रेडिएंट्स, अवयव उनको प्रदान किए,
जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसकी सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं की, ब्रह्मा ने इससे सृष्टि की। और ये अवयव, ये इंग्रेडिएंट्स भगवान ने ब्रह्मा को दिए और देने के बाद उन्हें आदेश दिया, सृष्टि करने का आदेश। तब जाकर हम सब जीव पिछली सृष्टि में किए गए कर्मों के अनुसार अलग अलग देह को प्राप्त करते हैं। फिर गर्भोदकशायी विष्णु अपना विस्तार क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में करते हैं। इसी ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, एक श्वेत द्वीप है ब्रह्मलोक से थोड़ा ऊपर, वहां पर क्षीर सागर है, उसमें भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु शयन करते हैं। वो जो क्षीरोदकशायी विष्णु है वही परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में परमात्मा कहलाते हैं। ये क्षीरोदकशायी विष्णु ही परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं, तब जाकर जीव चेतन होता है। इससे पहले तो जड़ प्राय रहता है, अचेतन की तरह। तो जब जब इस ब्रह्मांड में उथल पुथल होती है और असुर गण देवताओं के वश के बाहर हो जाते हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो देवता भी हल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके वश के बाहर हो जाता है तो देवतागण इन्हीं क्षीरोदकशायी विष्णु की शरण लेते हैं। अभी भी ब्रह्मा जी पृथ्वी, शिव आदि समस्त देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर इन्हीं क्षीरोदकशायी विष्णु की शरण में गए थे। यह क्षीर सागर इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के लोक से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि क्षीरोदकशायी विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के भी अंश हैं, परंतु उनकी वाणी भी ब्रह्मा जी बिना समाधि के नहीं सुन सके। ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासी गोप गोपियां स्वच्छंद रूप से बातें करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अतः उन ब्रजवासियों जैसा सौभाग्य और किसका हो सकता है। ब्रह्मा जिसकी आवाज सुनने को तरस जाए, उसके साथ ग्वाल सखा बन करके कोई खेले, कोई गोद में उठा करके उनको अपना स्तन का दूध पिलाए, उनके समान कौन भाग्यशाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम।